Good morning, guys. Good morning. It's 5:30, 5:40 in the morning right now, and उठ चुकी हूँ, थोड़ी जल्दी उठी हूँ. नॉर्मली मैं 6 बजे तक उठती हूँ, आज थोड़ा और जल्दी उठी हूँ, तो क्योंकि खाना बनाना है. दिव्या का स्कूल तो है ही, साथ में मामी को और भैया को जाना है अपने घर वापस, तो उनके लिए सफ़र का खाना भी बनाना है, रास्ते के लिए भी बनाना है. तो उठ चुकी हूँ, चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना. एंड सफ़र के लिए क्या बनता है नॉर्मली, वही बनाएंगे. चलिए चलते हैं. सो गाइस, यहाँ पर बना रही हूँ मैं ले जाने के लिए सबके लिए, और एक साथ हमारे लंच के लिए, दीपू के लंच के लिए, सबके लिए एक ही चीज़ बना रही हूँ, आलू पूरी. तो सूखे आलू और पूरी सबसे सेफ साइड होती है जब आपको बाहर ट्रैवल में लेके जाना हो, जल्दी से ख़राब नहीं होता, ज़्यादा देर तक चलता है, और ईजी टू होता है कि हम कहीं भी आराम से खा पाते हैं. तो बस इसीलिए बना रही हूँ आलू, सूखे आलू और पूरी. तो पूरी मैं थोड़ी सी नमक अजवाइन की बना रही हूँ, तो आटे में मैंने आपने देखा नमक मिलाया, अजवाइन मिलाया और अपने आटे को लगाना शुरू कर दिया. एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए. अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आटा अच्छे से लग चुका है. तो चलिए, जब तक आटा लग गया है, मैं थोड़ी सी शेल्फ की क्लीन कर दिया, और अब देख लेते हैं अपने आलू के भाई क्या हाल चाल है. तो आलू उबल चुके हैं, फटाफट से करना है, सुबह दिव्या को स्कूल से पहले भेजना है, उसके बाद मामा मामी भैया जाएंगे. तो यहाँ मैंने आलू का पानी निकाल लिया है, और अच्छे से पलट लेते हैं, छान लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और उसके बाद इसको छीलना शुरू करते हैं. अब यहाँ पर आलू वगैरह सारे छील गए थे, तो मैं आ गई, तेल चढ़ा लिया है मैंने सरसों का, और इसमें मैंने डाला हींग और जीरा. हींग जीरा अच्छे से चटकने देंगे, तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, कि जब मैं सूखे आलू डालूँ तो उसमें जो कलर कोटिंग है वो बहुत अच्छी आए. तो इसमें डाल दिए मैंने अब अपने इस आलू, और अब इसमें अच्छे थोड़ा सा तेल इसको चला देंगे. चलाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया नमक स्वाद अनुसार. नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, और नीचे से थोड़ा सा सिकने देंगे करारा होने तक. ज़्यादा अगर मैं चलाएंगे तो आलू सारे घुट जाएंगे. काम करते करते अब बार बार शेल्फ पे थोड़ा सा हाथ मारते रहेंगे, और आप देख सकते हो मैंने आलू को दूसरे गैस पे कर दिया है और तवा चढ़ा लिया है, क्योंकि अब दीवू जो है ना वो पूरी लेके नहीं जाएगी, वो पराठे लेके जाएगी. तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पराठे, फटाफट से पराठे बना लेते हैं और उसका लंच पैक करते हैं. जिस कढ़ाई में मैंने अपने सूखे आलू बनाए थे उसको निकाल लिया है, और अच्छे से सूखे आलू थे तो समेट गए सारे. अब कढ़ाई में मैंने दोबारा से तेल डाल दिया सेम कढ़ाई में, क्योंकि अब बनाएंगे सबके लिए पूरी. और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया चाय, क्योंकि आलू पूरी थोड़े थोड़े दो दो पूरी से नाश्ता करेंगे और एक चाय पियेंगे, और सारा फिर पैक होगा. क्या हो रहा है, बन गया खाना? हाँ जी, चलो हो गई रेडी. यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई है, सारी पैकिंग हो गई. ये हो गई पूरी, तो आलू सूखे आलू. मेरे को पॉलिथीन मैंने ले ली है. चलिए ये पूरी है, अब चलिए चलते हैं. मम्मी पॉलिथीन और दो, एक और देखो, इसको तो पूरी करती. अब नहीं टूटेगी, हो गया काम ने. सो गाइस, ये चल रहा है टीका.
बुआ भतीजे की देख। अब एक रुपए दो, ये कोई बात नहीं हुई, जूता रखो से। वो दोनों का जाने आपस में। वो ले लो, अरे वो ले लो। क्या तुम मामी को नहीं टीका कर रही? चलो मैं तो हूँ मामी, मेरे से तो पैर छुआ लो। चलो भैया बाय बाय। क्यों नहीं ले लो? चलो अच्छे भैया, बिल्कुल आना है मामी, ठीक है आना है। सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार। कुछ नहीं सोचना, छेड़ते बहुत है मामी को, छेड़ते है। बाय बाय भैया, बाय मामी। आ जाइयो, जी गए मेहमान हमारे, और अब बज रहे हैं 8:30। फटाफट से मैं भी नहा लूं, रेडी हो जाऊं एंड फिर निकलते हैं ऑफिस। 9:30 तक ऑफिस निकलना है, तो 1 घंटा है मेरे पास। फटाफट से रेडी होते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं एंड सबको नाश्ता करते हैं, चलते हैं। चलिए, मेरा ना सर बड़ा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, बट सर दर्द कर रहा है। पानी पी लूँ पहले थोड़ा सा, फिर जाती हूँ नहा के, मिलती हूँ सीधे। अब आपसे मुलाकात होगी रेडी होने के बाद। कैसे लग रही हूँ? रेडी हूँ ऑफिस के लिए, नाश्ता कर रही हूँ, जो बनाया है वही कर रही हूँ। लंच लेके नहीं जा रही हूँ आज कुछ भी, तो जो बनाया है वही कर रहे हैं। नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस चलते हैं, चलो चले हम ऑफिस, मिलते हैं आपसे ऑफिस में। प्लीज देखो मुझसे, मुझे कॉल लेने आया है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो इट्स 6:00 इन द इवनिंग और अभी आ गए हैं दीपक जी लेने। मुझे आसपास के सारे लोग देख रहे हैं। हाय गाइस, तो पहुंच गई घर। चलो ये रही मम्मा, मम्मी आई कर दो सबको। 3-4 दिन कोई आता है आपके घर में रहता है, घर में रौनक सी रहती है, और अचानक से आप देखो आप घर खाली खाली लग रहा है। ऐसे ही होता है ना, जब कोई आता है तो एकदम से घर में लगता है अच्छा है, लोग बैठे हैं। अभी घर में कोई नहीं है तो एकदम खाली सा हो गया घर। चलो 6:30 हो रहे हैं, चाय बनाते हैं, थकान उतारते हैं सबसे पहले, चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं सबको, फिर मिलती हूँ। चलो लेके चलती हूँ आपको किचन में। चलिए जी, तो आ गई किचन में, और बताऊँ एक बात कि ऑफिस से आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, भूख लग रही होती है बहुत तेज। कमाल की बात यह है कि मेरे घर वालों को भी यही लगता है, कुछ खाने को मिल जाए फिर क्या है, बनाओ। तो आ गई हूँ किचन में, किचन है तो आज बनाऊंगी चने दाल की खिचड़ी, चने दाल का पुलाव, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो चने की दाल मम्मी ने सुबह भिगो के रख दी थी, तो ये बनाऊंगी। साथ में आते ही चाय चढ़ा दी है, और इसमें है 4 पीस ब्रेड के, तो अभी वो सेक लेती हूँ। हम 3 जने हैं, तो 2 पीस चाय से ले लेंगे और अभी का काम चल जाएगा। फिर लंच फिर डिनर बनाऊंगी और दीबू को पढ़ाऊंगी, तो वही जो इवनिंग रूटीन रहता है मेरा वही रहेगा। चलिए शुरू करते, चाय चढ़ा दी है, एक तरफ ब्रेड भी सेक लेते हैं। सो गाइस ये कर रही हूँ तैयारी सुबह की दीबू के लंच के लिए, और बस इस टाइम तक आते आते मन इतना बेकार हो गया था मेरा, क्योंकि कहते ना आप बाहर वालों से तो जीत सकते हो लेकिन घर वालों से नहीं जीत सकते।
घर वालों से आप कभी नहीं जीत पाओगे, सब जानते हैं सब कुछ। ऐसा लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, पहले आपका इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना काम निकलने के बाद वो आपको इस तरीके से निकालते हैं जैसे दूध में से मक्खी। आपके से इतना बुरा करते हैं उन्हीं लोगों के लिए, और दुख और रोना उनके लिए आता है जहाँ पर आपने अपना सब कुछ दे दिया हो, ये सब कुछ लुटा दिया हो। उसके बाद तो तकलीफ होती है जब आपको कोई टोंट मारे, आपके पेरेंट्स के लिए बोले, बस आपके किसी काम के लिए वे फिर ऐसी हरकतें करें। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मूड मेरा अच्छा नहीं है गाइस, तो ब्लॉग भी यहीं ओवर कर रही हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ, तो मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है अचानक से। अब शायद स्ट्रेस इतना भी नहीं पाती मैं, वो मेरी बॉडी पे दिखने लगता है। ठीक हूँ मैं एक्चुअली। आपको कोई बार 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 परेशान करे ना, तो आप किसी इंसान को कितना माफ करोगे? कितना? लाइक कोई बाहर वाला आपको परेशान करे ना, तो आप जीत जा सकते हो, जीत सकते हो उससे, बाहर वाले से आप फिर भी जीत सकते हो, उसे लड़ सकते हो। इंसान हमेशा हार मान जाता है अपने घर से। और अगर आपका नेचर वैसा ना हो, लाइक मेरा जो नेचर है ना, मुंह पे बोल देने का, चिल्ला लेने का, चिल्ला लेने का, या दीपक जी कभी कभी कहते गुस्सा करती है, तो गुस्सा कर देने का, लेकिन इंटेंशंस मेरे कभी भी किसी को बुरा करने के नहीं रहे। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, नहीं किया, नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो इंसान गुस्से वाला होता है ना, जितना वो उतना ही दिल का साफ होता है, उसका ना उतना ही पागल बनाया जाता है, जब उतना ही उसके अच्छे दिल का फायदा उठाया जाता है। लाइक चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, अच्छा होना गलत नहीं है, शायद किसी ने सही कहा है, मूर्ख होना गलत है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, पर फिर भी लाइक ये सोचती हूँ, चल परिवार है, तू नहीं करेगी प्रिया तो कौन करेगा? अपने लोग के लिए, अपने परिवार के लिए तो तुझे ही करना है ना। लेकिन फिर भी आपको भी बार 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 आपको अपना काम निकलवाने के बाद आपको हर्ट कर रहे, तो कैसा लगता है? आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, दुखता है दिल। मेरे साथ तो अक्सर हुआ है, मैं बार बार बेवकूफ बनी हूं। लोग अपना काम निकलवा लेते हैं और ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं? मैंने अक्सर देखा है, मैंने
मैं जब करती हूँ ना, करने पर आती हूँ किसी के लिए, अपना तन मन दिल सब झोंक देती हूँ उस इंसान के लिए, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि कब कोई मेरा फायदा उठा रहा है। कभी कभी लोग अपनी उम्र का फायदा उठा जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कहते हैं ना लोग कि बच्चे गलत होते हैं, नहीं हर बार बच्चे गलत नहीं होते। चलो गाइस, मैं लोगों को करती हूँ, अब से फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर सेल्फ। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं हूँ ऑफिस में, आज अगला दिन है, नेक्स्ट डे। कोई शूट नहीं हुआ था, बस कल रात को अच्छे से आपको भाई नहीं बोल पाई थी, तो सोचा आपको साथ आप मिलूं। और देखो मेरे पास सरप्राइज है आप लोगों के लिए, कि आज मेरे साथ कौन है। आओ, आज मेरे साथ कौन है, देखो कौन आया ऑफिस में हमारे साथ आज। हेलो हेलो, कैसे हो आप, पूछ लो कैसे हो आप। सब अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है। लो आपकी मैं वर्कशीट दे रही हूँ, आप बैठ कर। दिव्या को ऑफिस लाना पड़ा, सर कम टेंसेस कुछ ऐसे थे। चलिए गाइस, बहुत सारी लाइफ में सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि बच्चे हर टाइम गलत नहीं होते, बस आपको समझने वाला कोई नहीं होता। अगर लगा मौका तो बताऊंगी किस चीजों से परेशान चल रही हूँ, पर फिलहाल के लिए ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।